सो गाइज, ये देहरादून का कोई जगह है, पहाड़ में तो नहीं पड़ता है, पहाड़ से फ्लैट टाइप का है जगह। तो यहाँ से पहाड़ आपको क्लियर नज़र आता है। तो रात में नाइट स्टे हम लोग यहीं किए थे। ठीक है, सही है, रूम 1100 कुछ रुपए में हम लोगों को रूम मिल गया था, दो रूम, एक रूम में 3 आदमी आ जाता है। सही से ठीक ठाक है रूम, अगर जो बजट ट्रेवलर हो, अगर वो रहना चाहे, ओयो का है, ओयो से मतलब टचअप है, तो उन लोग रह सकते हैं। और यही है, मैं कुछ यहाँ का ऊपर से कुछ व्यू दिखा देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, ये ऊपर से कुछ इस तरह का लुक है, ये पहाड़ नजर आ रहा होगा आप लोगों को। ये रहा, मैं जहाँ हूँ ये होटल जगह है, ये पहाड़ में नहीं है, फ्लैट जगह में है। सही है, टेम्परेचर भी कुछ कोई खास नहीं है, रात में भी बढ़ जाता है। ये रहा, एकदम गांव टाइप का फीलिंग हो रहा है पूरा, क्योंकि खेती वगैरह गेहूं का देख सकते हैं, ये सब गेहूं का खेती वगैरह हो रहा है, गन्ना का भी खेती किया हुआ है। सही जगह है, गांव की तरफ फील हो रहा है। अब हम लोग जाएंगे, दोस्त लोग रेडी हो रहे हैं, अब उन लोग रेडी होने के बाद, फ्रेश फ्रेश होने के बाद जो है कि फिर हम लोग निकलेंगे। Wow! Wow! Hey, hi guys. Hi. This is my new hack. We are I like it. in the I love my hack. YouTube blog channel of Mr. Nadeem. So now we have checked in here at Anjali Guest House. Now we are going at Mussoorie to see Mall Road and Market of Mussoorie. So guys, are you ready? We are ready to go. Okay. हेलो, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आप लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। सो गाइज, आप लोगों का स्वागत है पहाड़ों की रानी मसूरी में। सो अभी हम लोग जो है कि मसूरी आ गए हैं सनसेट देखने के लिए। तो बस कुछ देर में सनसेट होने वाला है, अभी आप लोग देख सकते हो यहाँ का व्यू। ठीक है, और कुछ दोस्त अभी चाय वगैरह पी रहे हैं, ये उधर रहा। फिर हम लोग चलेंगे अभी कोई और जगह, एक तिब्बा कोई जगह करके है, वहाँ जाना है। तो वहाँ से सनसेट का व्यू देख, सही मतलब व्यू आता है, वहाँ चलेंगे देखने के लिए। ठीक है, तो फिर दिखाया जाएगा आप लोगों को वहाँ का व्यू। आप लोग चैनल पे बने रहे, मैं जो जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगा मैं वो सब इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक शेयर करता रहूँगा। ठीक है, 29 किलोमीटर धनौल्टी, 29 किलोमीटर।
जा रहे हैं? क्या गजब का व्यू है भाई। सही नहीं आ रहा है सनसेट का, रिफ्लेक्ट कर रहा है ऐसा लग रहा है फ्रंट कैमरे से। सो गाइस हम लोग आ गए हैं लाल तिब्बा सनसेट व्यू देखने के लिए। नज़ारा तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और यहाँ से पहाड़ जो एकदम पूरा नज़र आ रहा है। ये बहुत ऊंचाइयों पे है, बाइक या फोर व्हीलर से ही यहाँ आया जा सकता है, पैदल तो कोई गुंजाइश ही नहीं है यहाँ आने के लिए। तो आप लोग जब भी मसूरी आएँ यहाँ आना चाहें तो आ सकते हैं, बहुत अच्छा नज़ारा है यहाँ का, व्यू बहुत खूबसूरत है। दोस्तों नदीम ब्लॉग्स में आपका फिर से स्वागत है। अब हम यहाँ से मसूरी से धनौल्टी की ओर कट गए जहाँ पे एक सनसेट व्यू देखने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। क्या नाम बताया? लाल तिब्बा। लाल तिब्बा जहाँ से सुना है सनसेट बहुत अच्छा दिखता है और वहाँ दूरबीन लेके तरह तरह के नज़ारे देख सकते हैं। ये रास्ता जो है ये बहुत ही ढलान वाला रास्ता है और पानी उतारने वाला यहाँ पे यहाँ बहुत ही ठंड है पर साथ ही साथ बहुत ही मज़ा है। बहुत बंदर है इस वजह से फोन को बहुत संभाल के चलना पड़ रहा है। पीछे हमारे सारे दोस्त आ रहे हैं, शुभ इकबाल और मोहम्मद आमिर रजा। कोशिश कर रहे हैं हम कि अब अपने इस सफर में जो कि उत्तराखंड का सफर है, हर एक जो फेमस जगह है खूबसूरत जगह है उसको कवर करने की कोशिश करें और उनमें से ये कि लाल तिब्बा देखते हैं कैसा है वहाँ पे जाके, देखते हैं क्या सनसेट व्यू है और कैसे नज़ारे दिखते हैं। सुना है कि प्रकृति के बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत नज़ारों का आनंद लिया जा सकता है वहाँ से और हम पूरी कोशिश करेंगे कि उन नज़ारों को बहुत अच्छी तरीके से आपके सामने पेश करें। तब तक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। सो गाइस बस यही तक था, इस वीडियो में कुछ खास तो था नहीं लेकिन फिर भी अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, अगर कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में और जो भी इस चैनल में नया हो तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ठीक है, सब्सक्राइब आप लोग नहीं करते हो भाई, आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना, हमें भी अच्छा लगेगा। और फिर मिलता हूँ मैं किसी अदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।